नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट, इंडियन नेवी, सीसीएल, एमएएचए, जीईएनसीओ, एचपीएससीबी, आईओसीएल, एमपीएचसी, यूपीएससी के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहार सिविल कोर्ट पटना के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, प्यून या ऑर्डरली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 7692 पदों पर आवेदन के लिए मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्लास 10th या बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड कोर्ट रीडर के लिए जिसमें अनरिजर्व ओबीसी, ईबीसी या EWS के लिए 800 रुपए, SC, ST, PH के लिए 400 रुपए, वहीं पोस्ट ऑफ प्यून के लिए अनरिजर्व BC, EBC, EWS के लिए 600 रुपए, SC, ST और PH के लिए 300 रुपए निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो district.ecourts.gov.in या पटना पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दो पर हम बात करेंगे इंडियन नेवी नवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नवल एयरक्राफ्ट यार्ड के बारे में। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 230 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th विद 50% मार्क्स एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड विद 65% मार्क्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 21 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2022 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीन पर हम बात करेंगे सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL रांची के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस, फ्रेशर अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 635 पदों पर आवेदन के लिए मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th पास विद ITI इन रिलेवेंट ट्रेड और 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम यहां ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 27 वर्ष और फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए अधिकतम 21 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क यहां भी नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.centralcoalfields.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 330 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन या पावर या इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद 3 to 9 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो डिप्टी एग्जीक्यूटिव के लिए अधिकतम 38 वर्ष, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड एडिशनल एग्जीक्यूटिव के लिए अधिकतम 40 वर्ष, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के एम्प्लॉय के लिए अधिकतम 57 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 600 रुपये, वहीं अदर के लिए 800 रुपये निर्धारित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.mahagenco.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पाँच पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 61 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल या ओबीसी वो भी हिमाचल प्रदेश के लिए 1000 रुपये, EWS के लिए 800 रुपये, SC, ST, IRDP, BPL हिमाचल प्रदेश के अंत्योदय के लिए 800 रुपये, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो भी सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपये। यहाँ आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.hpscb.com पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर छः पर हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है नॉन एग्जीक्यूटिव,
तो चलो मैं वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 56 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 या ITI या डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 26 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व्ड या EWS या OBC के लिए 100 रुपये, SC ST PWD के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो IOCL.com पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7 पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है लीगल असिस्टेंट या लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर महज 55 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता डिग्री इन लॉ होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से लेकर के 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर भी नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2022 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.mphc.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8 पर हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ एग्जामिनेशन UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर कुल 327 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर के 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां एग्जाम दे सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो SC ST PH और महिला कैंडिडेट से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। वहीं अन्य से 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.upsc.gov.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।